प्रीवियस क्लास में जो आपकी पीएसटी की रिवीजन सीरीज में हमने चैप्टर कंप्लीट किया था वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो आपका लास्ट चैप्टर राइट। आज जो हम शुरू करेंगे वो हम चैप्टर वन शुरू करेंगे। तो आज मैं रिवीजन सीरीज में चैप्टर वन स्टार्ट कर रहा हूँ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें देखो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें कवर करने हैं एज पर अवर रिविजन सीरीज, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, मैं एक तो हमें करना है कोऑर्डिनेशन, एक करना है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और एक हमें करना है नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, एज आर्ट और एज प्रोफेशन। हम इसका ऑर्डर क्या लेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कोऑर्डिनेशन, फिर हम करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और लास्ट में फिर हम इस कंसेप्ट को उठाएंगे क्योंकि इसमें ये काफी बड़ा कंसेप्ट है। पहले साइंस, फिर आर्ट, फिर प्रोफेशन, सारी चीजें करनी है आपको, ठीक है। सबसे पहले जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन से। बिफोर प्रोसीडिंग विद द कोऑर्डिनेशन, पहले आप इस चैप्टर का मतलब समझो क्या है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर का मतलब होता है कैरेक्टर और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। बेसिकली यहाँ क्या बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस या मैनेजमेंट का कैरेक्टर, वो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। जब हमने इस चैप्टर को किया था तो हमने ये भी समझा था कि प्राइमरली जो मैनेजमेंट होती है, कोई मैनेजर होता है, वो 5 तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। वो कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। लेकिन इस सब फंक्शन के अलावा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो भी फंक्शन ही होता है जिसकी जरूरत है इन सभी को। अगर सभी को प्रॉपरली परफॉर्म करना चाहता है मैनेजर, तो उस फंक्शन का यूज सभी में करना पड़ता है, और वो होता है आपका कोऑर्डिनेशन। अपार्ट फ्रॉम अबव 5 फंक्शन, देर इज वन मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन विच एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म, एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन। दैट इज कोऑर्डिनेशन। पहले बताओ इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। कोऑर्डिनेशन रेफर टू, कोऑर्डिनेशन होता क्या है? इट रेफर टू सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब जोड़ना, एंड एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स। सभी इंडिविजुअल्स के एफर्ट को जोड़ना, भाई सारे के सारे काम करें, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, सभी को एक साथ लेके चलना, सभी ग्रुप्स को एक साथ लेके चलना, सभी डिपार्टमेंट्स को जोड़ना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अगर उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो स्मूथ फंक्शनिंग पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे जितने भी ग्रुप्स है, जितने भी इंडिविजुअल्स है, अगर आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, भाई ऑर्गेनाइजिंग इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल, एज ए होल आपको एक यूनिटी की तरह काम करना होता है। उस यूनिटी की तरह जो काम करने की बात है उसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। उसी का मतलब ही कोऑर्डिनेशन है, जब सारे मिलके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके एक कॉमन गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, और वो गोल किसका होता है? गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप समझो, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेस मैनेजर, ये सारे के सारे क्या है? अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सारे के सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। मार्केटिंग मैनेजर का क्या काम होता है? सेल्स पर ध्यान देना। प्रोडक्शन मैनेजर का क्या काम है? प्रोडक्शन। और परचेस मैनेजर को क्या देखना है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब अगर इन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो सकती। कैसे देखो, अगर मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्शन वाले को ये नहीं बताएगा कि हाउ मच टू बी सोल्ड, हाउ मच टू बी सोल्ड, भाई कितनी सेल हमें, हमारा टारगेट क्या है, हमें कितना सामान बेचना है, तो सामान तो तब बेचोगे ना, पहले वो बनेगा। तो जब आपने बता दिया कि इस साल का जो हमारा टारगेट है, प्रीवियस ईयर अगर हमने 1 लाख यूनिट सेल की थी तो इस बार हमारा जो टारगेट है वो 2 लाख का है, तो 2 लाख की प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी। तो जब आप बताओगे तभी तो ये उस पर एक्शन लेगा, और जब इसको पता है कि अब 2 लाख यूनिट हमें सेल करनी है, उसी हिसाब से ये ऑर्डर किसको करेगा? भाई हमें 2 लाख यूनिट सेल करनी है, तो आप जो रॉ मटेरियल परचेस करो वो 2 लाख के हिसाब से परचेस। पानी क्लियर हुई? जब प्रोडक्शन मैनेजर ये बताएगा, प्रोडक्शन मैनेजर क्या इंटीमेट करेगा परचेस मैनेजर को? हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड।
यहां से पता चला कि कितनी सेल करनी है, उसे आइडिया मिल गया कितना प्रोडक्शन करना है, वो आइडिया इसने आगे बता दिया। तो ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, जो मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को बताया वो क्या किया, उसने उसके साथ कोऑर्डिनेट किया। जो प्रोडक्शन मैनेजर ने परचेज मैनेजर को बताया, ये इसके साथ क्या हुआ, यहां भी क्या हुआ है, कोऑर्डिनेशन हुआ। अब जब ये सारी चीजें होंगी तभी तो स्मूथ फंक्शनिंग होगी, तभी तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपना टारगेट है वो अचीव कर पाएगी, विदाउट इट नॉट पॉसिबल। तो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि वहां पर क्या हो, कोऑर्डिनेशन। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये चीज देखो यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि ऑल दीज डिपार्टमेंट्स नीड टू कम्युनिकेट ईच अदर फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसके थ्रू होगा, इसी चीज को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन। इसी चीज को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन। पहले बताओ ये चीज क्लियर, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन, मैंने कहा कितने फंक्शंस होते हैं, पांच। और मैंने आपको ये भी कहा कि हर फंक्शन में आपको किसकी जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन। अब मैं आपको वही बता रहा हूं कैसे पड़ती है। देखो पहला फंक्शन क्या होता है, पहला फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग। प्लानिंग में आप ऐसे समझो, टॉप लेवल जो प्लानिंग करता है, जो प्लान बनाता है, उसको क्या कहते हैं, मास्टर। टॉप लेवल क्या बनाता है, मास्टर बनाता है, ठीक है। और जो बाकी के जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल होते हैं, इनका काम क्या होता है, उस प्लान को सपोर्ट करना। उस प्लान को सपोर्ट करने के लिए ये जो प्लान बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सपोर्टिव प्लान। पहले बताओ इतनी चीजें क्लियर। उस प्लान को सपोर्ट करने के लिए ये जो प्लान बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, सपोर्टिव प्लान। अब ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट, जब ये कोऑर्डिनेशन होगा दोनों के बीच में तभी तो काम चलेगा। अगर आप सपोर्टिव प्लान इसके हिसाब से बनाओगे ना, तो आपको इनके साथ क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और टॉप लेवल को भी इनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि भाई ये हमारा टारगेट है, इसके अकॉर्डिंग ये आपको चल रहा है। तो आपने एक तरह से मास्टर प्लान का मतलब एक बाउंड्री बता दी कि विद इन दिस बाउंड्री वी हैव टू अचीव दिस टारगेट, अकॉर्डिंगली प्लान। तो अब आपका जो आपको जैसे पता लग गया, जैसे मैंने कहा, आप ऐसे समझो, मैंने कहा भी अब आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हुई, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि जनवरी में आपकी टेस्ट सीरीज हो, कहा आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा कि जो आपकी जो टेस्ट सीरीज होगी प्रॉपर आपके बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न पर होगी, उसी तरह से शीट्स होंगी, कार्डबोर्ड्स वगैरह आपको लेके आने हैं, हर पेपर में उसी तरह से आपको प्रिपरेटरी लीव्स भी दी जाएगी। तो पूरा सेटअप एक ऐसा बनाया जाएगा जैसे बोर्ड एग्जाम्स में जाते। तो ये मैंने बता दिया। अब आपको कोऑर्डिनेट, आप कोऑर्डिनेट करोगे तभी तो सारी चीजें होंगी, अकॉर्डिंगली आप अपने आपको प्रिपेयर करोगे तभी तो वो टेस्ट सीरीज प्रॉपरली हो पाएगी। आप अपना कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे हो तो क्या फाइनली जो जो हमारा टारगेट है, जो जो पर्पस है, क्या वो फुलफिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैंने जो प्लान बनाया वो है मास्टर प्लान, नाउ यू हैव टू सपोर्ट मी। सर ठीक है, अकॉर्डिंगली वी विल प्रिपेयर दैट, आप हमें डेट शीट बता देना क्या है, उसके हिसाब से फिर जो है हम प्रोसीड करेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सपोर्टिव प्लान आर मेड इन लाइन्स विद मास्टर प्लान। जो आप सपोर्टिव प्लान बनाओगे वो इसके हिसाब से तो बनाओगे, समझ में आ गया। तो क्या कहा जा रहा है, देखो लाइक टॉप लेवल टारगेट। अब एक एग्जांपल देखो इस चीज का, मास्टर प्लान क्या है, यहाँ पे जो हमारा मास्टर प्लान बना वो क्या बना है, टू इंक्रीज सेल बाय 10%। कि भैया जो भी हमारी सेल हुई थी हमें उसको 10% रेज करना है। मानो जो हमारी सेल हुई थी वो हुई थी 10 लाख, अब इस साल का क्या टारगेट है, हमें अपनी सेल कितनी करनी है, इसका 10% बढ़ा दो 1 लाख। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि हमारी सेल को कहाँ लेके जाना है, 11 लाख। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मास्टर प्लान। तो भैया प्रोडक्शन वालों को भी तो प्रोडक्शन जो यूनिट है वो बढ़ानी पड़ेगी, 10% बढ़ानी पड़ेगी ना। और जो परचेज डिपार्टमेंट है उसको भी 10% परचेज बढ़ानी पड़ेगी। तो ये इसके हिसाब से किया ना इन्होंने, तो यही आपका क्या है, सपोर्टिव प्लान। और इसी चीज को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। इसको देखते हुए आपने इनके साथ क्या किया, कोऑर्डिनेट किया। 10% सेल इंक्रीज करने का मतलब 10% यूनिट्स की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है वो भी 10% आपको रेज करना पड़ेगा। तो ये जो सपोर्टिव प्लान है दैट इज इन लाइन विद द मास्टर प्लान। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या था, नेक्स्ट फंक्शन क्या था, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है,
कि भैया जितने भी रिसोर्सिस हैं उनको एक साथ अरेंज करना, ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस रिसोर्सिस, इज इट क्लियर? ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड अमंग वेरियस रिसोर्सिस। यहाँ भी भैया आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, यहाँ भी आपको किसकी जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेशन। अब कैसे करें, मान लो आपके पास जो लैंड है उस पर आप 10 मशीन इंस्टॉल कर सकते, यू हैव गॉट अ पीस ऑफ लैंड ऑन विच यू कैन इंस्टॉल 10 मशीन, तो आप 10 मशीन है उस पर इंस्टॉल कर सकते। ठीक है, ये तो ये क्लियर हो गया आपको। तो ऑब्वियसली आपको पता कि मैं 15 मशीन तो ले ही नहीं सकता, मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी मशीनें ले सकता? 10, क्योंकि कैपेसिटी उतनी है रखने की। ये कहानी क्लियर? ठीक है, अच्छा मशीन खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? फाइनेंस। ठीक है, अब एक मशीन की कॉस्ट मान लो 5 लाख रुपीज, एक मशीन की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 5 लाख रुपीज। और टोटल फंड जो कंपनी के पास है, टोटल फंड जो कंपनी के पास है वो कितना है? दैट इज 25 लाख। अब फाइनेंस के हिसाब से और इन दोनों रिसोर्सेज को अब साथ में मुझे लेके चलना है, तो मेरा जो फाइनेंस है उसके हिसाब से मैं मैक्सिमम कितनी मशीनें ले सकता हूं? 5 मशीन। अब मैं ये नहीं है कि मेरे पास 10 मशीन की है तो मैं 10 की 10 ही खरीदूं, मुझे इसके साथ भी तो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ये कहानी क्लियर हो गई? ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट आता है फिर आपका फंक्शन कौन सा? स्टाफिंग। नेक्स्ट फंक्शन क्या आता है आपका? स्टाफिंग। अब स्टाफिंग फंक्शन क्या कहता है? अगर मैं स्टाफिंग की बात करता हूं, स्टाफिंग का मतलब कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन। मानते हो इस चीज को? कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट कहां पर होती है? कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि भैया जो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन को जब आप किसी स्पेसिफिक जॉब पर रखते हो तो उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो कोऑर्डिनेट करोगे। अब मेरी स्पेशलाइजेशन कॉमर्स की है और आप मुझे फिजिक्स पढ़ाने के लिए कह दो या हिस्ट्री पढ़ाने के लिए कह दो, तो मैं कहाँ से डील करूँ या मैं कहाँ से आउटपुट दूँ, या मैं रिजल्ट दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा? अगर मेरी नॉलेज कॉमर्स की है तो मैं साइंस को या आर्ट्स स्टूडेंट को कैसे पढ़ा सकता हूँ? नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। मेरी प्रिपरेशन ही अगर कॉमर्स फील्ड में है तो मैं कॉमर्स में स्पेशलिस्ट हूँ, तो उसी में मुझे आगे आना चाहिए। आप जॉब प्रोवाइड करो मुझे कि सर आप फिजिक्स पढ़ाओ या सर आप हिस्ट्री पढ़ाओ, पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से देखो, अगर आपको फाइनेंस मैनेजर की जॉब के किसी को फाइनेंस मैनेजर की जॉब पर रखना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है फाइनेंस मैनेजर की, तो क्वालिफिकेशन में आप क्या चाहोगे कि उसने एमबीए फाइनेंस में कर रखा हो? ये तो नहीं चाहोगे ना उसने एमबीए मार्केटिंग में कर रखा। अगर फाइनेंस मैनेजर के लिए आपको क्या चाहिए? एमबीए इन फाइनेंस। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका डायरेक्टिंग। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है आपका? डायरेक्टिंग। अगर मैं डायरेक्टिंग की बात करूं तो पहले डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड बिटवीन मोटिवेशन लीडरशिप कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन, यही होता है ना डायरेक्टिंग। मैनेजर के पास कहते हैं ना कि मैनेजर जो है अपनी पोस्ट के हिसाब से अगर आपसे काम ले रहा है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, एक लॉन्ग टर्म पे वो अच्छा काम नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर वो लीडरशिप क्वालिटी से आपसे काम ले रहा है, एक एज ए लीडर वो आगे आ रहा है, तो वो आपको अच्छी तरह से आपके साथ डील कर पाएगा और बहुत अच्छे चांसेस है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉपर वे में ग्रो करे, क्योंकि फिर आप उसको फॉलो करोगे, आप उसको एक आइडल की तरह देख रहे हो तो अच्छी बात है, आप उसकी एक रिस्पेक्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है। रिस्पेक्ट कब होती है? कोई जोर जबरदस्ती करके तो रिस्पेक्ट नहीं करवा सकता ना, रिस्पेक्ट तो दिल से ही होती है। और कब आती है? जब उसमें सामने वाले में वो क्वालिटी हमें दिखाई दे। तो इन सभी चीजों में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है ना। अब लीडरशिप अच्छी होने के लिए उसको मोटिवेट करना आना चाहिए अच्छा लीडर बनने के लिए, और मोटिवेशन तब होगी जब अच्छा कम्युनिकेटर होगा, और अच्छा कम्युनिकेटर मोटिवेशन और लीडरशिप इन सभी के लिए सुपरविजन भी होना चाहिए। पहले तो करना क्या है? अगर देखो जैसे कि मान लो आपकी क्लास बैठी हुई है, मुझे मोटिवेट करना है, तो मोटिवेट किस बात को लेके करना है? क्या वो बात है पहले मुझे ये तो क्लियर हो कि मोटिवेशन की जो बात है मैं कहाँ से शुरू करूँ। एक विजन मेरे सामने होगा कि मुझे किस चीज को लेके मोटिवेट करना है, स्टूडेंट्स कहाँ लैक कर रहे हैं और इस चीज के लिए किस तरह से मैं मोटिवेट करूँ, तो ये सारी क्वालिटी सब में जुड़ेगी, तभी तो एक अच्छा मैं आपको अच्छी वे में आगे ला पाऊंगा। मुझे मोटिवेट करना ही नहीं आ रहा है या मैं करता ही नहीं हूं, अगर आप नहीं करते तो मैं और ज्यादा आपको डिप्रेस कर रहा हूँ भाई, आप होगा ही नहीं, छोड़ दो तुम्हारे बस की नहीं है पढ़ाई, मैं आपको एनकरेज ही नहीं कर पा रहा हूं।
आइडली तो वो होता है ना कि अगर कोई स्टूडेंट पर्टिकुलरली परफॉर्म नहीं कर रहा है तो एज ए टीचर आप उसको कैसे पुश करते हो, कैसे फिर उसके खड़े होते, कैसे उसको उस चीज से निकाल पा रहे हो। ऐसा थोड़ी ना कि कोई जो स्टूडेंट ब्राइट है उनके साथ तो सब वो तो ठीक है, जो ब्राइट स्टूडेंट है वो तो रिजल्ट दे ही देंगे, लेकिन मेन चैलेंज क्या होता है जब एक वीक स्टूडेंट है जो एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, उसको आप कैसे आगे लेके आ रहे, उस चीज के लिए आपको भी पे लेना पड़ेगा एज ए टीचर। लेकिन एट द सेम टाइम आपको भी मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना, तभी तो रिजल्ट आएंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है दैट मैनेजर नीड टू हैव गुड लीडरशिप क्वालिटीज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। अगर मैनेजर के पास एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होगी, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, तभी वो बाकी के जो भी उसके अंडर एम्प्लॉयज होंगे उनसे वो अच्छी तरीके से काम ले पाएगा। काम समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर आपका जो लास्ट फंक्शन होता है बट नॉट लीस्ट, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में दो चीजें हमने पढ़ी, एक आप जो स्टैंडर्ड सेट करते हो और एक आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, इन दोनों को कोऑर्डिनेट करना जरूरी है ना। आपका टारगेट है आपको 95% से ज्यादा लेने हैं, तो जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको रिलेट तो करो। अब हम दिसंबर में आ गए हैं, तो दिसंबर मंथ में हमारी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, जो हमारे प्री बोर्ड एग्जाम होंगे उसकी हम तैयारी कैसे करेंगे। प्री बोर्ड एग्जाम को टारगेट करोगे तभी तो बोर्ड की प्रिपरेशन कर पाओगे। प्री बोर्ड एग्जाम, टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें क्या, ये किस लिए होती है, ताकि आपका जो विजन है या जो आपका जो मेन आपका पॉइंट है, मेन टारगेट है, आप उसको उसके लिए प्रिपरेशन कर पाओ। फाइनली जो टारगेट है यू वांट टू गेट मोर देन 95%, मोर देन 90% इन बोर्ड एग्जाम, लेकिन डायरेक्टली तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऐसे तो जाओगे नहीं, उससे पहले बहुत सारे जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं वो आपको एक एक्टिव वे में उनको परफॉर्म करना होगा। सक्सीड कहते हैं ना कि प्रॉपर वे में, सक्सेसफुल वे में आपको उसे डील करना पड़ेगा। जब प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर आएगा, टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर करोगे, अपना कॉन्फिडेंस आपका हाई लेवल पर जाएगा। तो ये होता है कि जो आपका वहां स्कोर आ रहा है और जो आप करना चाहते हो, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। प्री बोर्ड में आपका पास होना मुश्किल हो रहा, टारगेट आपको 95 से ज्यादा चाहिए, कोऑर्डिनेशन ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर मान लो आपका प्री बोर्ड में स्कोर आ रहा है 50% और टारगेट आपका 95%, तो आपको ये चीज तो समझ में आ रही है ना, जब आप इनको इंटर रिलेट करके देख रहे हो कि भाई अभी तो बहुत कमी है, आई नीड टू पुश हार्ड। तो जब रिलेट करोगे तभी तो ये इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करोगे तभी तो हो पाएगा, दोनों को रिलेट करके देखोगे तो। समझ में आ गया? ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले जो आप बात करोगे नेचर में, वो क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ये ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का मतलब जोड़ता है, और मैं ऑर्गेनाइजेशन एक स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बार बार इस वर्ड का यूज कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। और ये किसके थ्रू आता है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू। इट कंबाइन द एफर्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, ये चीजें कनेक्टेड है। सेकेंड नेचर में आप क्या पॉइंट लिखोगे, यूनिटी ऑफ एक्शन। इट एक्ट एज बाइंडिंग फोर्स, इट एक्ट एज बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। जैसा भी हमने किया एग्जाम्पल देखा था कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ये उनके बीच में एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है। ये एंश्योर करता है कि इट एंश्योर दैट ऑल एक्शन एम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि सारे के सारे जो भी कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे वो किसके लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए कर रहे हैं। सबका टारगेट एक ही है, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट है, चाहे सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सब जो भी काम कर रहे हैं वो किस, उनका सबका टारगेट एक ही है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ही चीज के लिए काम कर रहे हो तो एक दूसरे से जुड़े हुए हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, नेक्स्ट नेचर क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या, एज कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड इन ऑल फंक्शन एंड ऑल फाइव फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन टू। भाई हर फंक्शन में आपको कोऑर्डिनेशन, जी आपने अभी देखा प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, मास्टर प्लान और सपोर्टिव प्लान। ऑर्गेनाइजिंग में कैसे, सभी रिसोर्सेज को बांटना, सभी को एक दूसरे से रिलेट करके देखा आपने। स्टाफिंग में जैसी क्वालिफिकेशन वैसी जॉब। डायरेक्टिंग में जो भी आपकी मोटिवेशनल स्किल्स है, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और कंट्रोलिंग में क्या, जो आपके सेट स्टैंडर्ड है और एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो सभी में आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए और वो सारे क्या है, सारे प्रोसेस क्या कंटिन्यूअस है, तो कोऑर्डिनेशन भी फिर कंटिन्यूअस है, तो हर फंक्शन का पार्ट है।
नेक्स्ट नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन में आप कहोगे ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब हर जगह, हर लेवल पर। इट इज लाइफ ब्लड ऑफ मैनेजमेंट। आप कह सकते हो ये क्या है, मैनेजमेंट का लाइफ ब्लड है। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल टाइप्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन क्या होता है, डेलीब्रेट फंक्शन है ये, एक अनअवॉइडेबल फंक्शन नहीं है। आप ऐसा नहीं करते थे चलो कोऑर्डिनेशन की कोई रिक्वायरमेंट, बिना कोऑर्डिनेशन के काम करूंगा, नहीं, ये एक नेसेसिटी है। इट इज नॉट एन अनअवॉइडेबल फंक्शन। समझ में आ गया, ये एक अनअवॉइडेबल फंक्शन नहीं है, ठीक है, एक अनअवॉइडेबल फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय मैन, यानी कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, कहने का मतलब यह है, क्योंकि आपको हर चीज में क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट नेचर में क्या पॉइंट आप डिस्कस करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, फंक्शन ऑफ ऑल मैनेजर एट टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल मैनेजमेंट। हर लेवल पर आपको क्या चाहिए, हर लेवल पर आपको किस किस रिक्वायरमेंट होती है, कोऑर्डिनेशन। हर लेवल पर हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, सभी लेवल पर जितने मैनेजर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोऑर्डिनेशन बना के रखे। आप ऐसे समझो, इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर टू हैव कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट्स, अमंग द ग्रुप्स, अमंग द इंडिविजुअल्स। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज एन असेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको कहा जाएगा स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो, तो आप क्या कहोगे, समटाइम्स कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने कहा ना फाइव फंक्शन है, तो ये भी इसका फंक्शन है, लेकिन क्या उन फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन नहीं है? तो जब हर जगह कोऑर्डिनेशन है तो उसको आप अलग कैसे कर सकते। समटाइम्स कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट एक्चुअली इट इज एसेंस। एसेंस का मतलब होता है सोल ऑफ मैनेजमेंट। आप विदाउट कोऑर्डिनेशन सोच ही नहीं सकते, विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट ही पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इतना लिखने के बाद ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे फाइव फंक्शन, जो मैंने आपके साथ ये फाइव फंक्शन डिस्कस किए थे, ये आपको दोबारा इसमें कंटिन्यू करने। समझ आ गया आंसर किस तरह से, तो पहले वो लिखोगे और फिर इस तरह से आप ये सारे के सारे एग्जाम्पल कि कैसे वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, कि वो हर फंक्शन में है। देखो मैं फिर से बताता हूँ, पहले आप स्टार्टिंग कैसे करोगे आंसर की अपने, समटाइम्स कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आपने ये लिखा, बट एक्चुअली इट इज एसेंस। एसेंस का मतलब सोल ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई? बिकॉज इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर आप कहोगे, फिर आप ये एक्सप्लेनेशन दोगे, प्लानिंग आप बताओगे कि जो मास्टर प्लान और सपोर्टिव प्लान है उसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। फिर आप कहोगे ऑर्गेनाइजिंग, सभी रिसोर्सेज को हमें एक साथ रखने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। फिर आप थर्ड फंक्शन में एक्सप्लेनेशन दोगे, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन। फिर आप बोलोगे डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में आप किस तरह से बताओगे कि कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड बिटवीन मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। और फिर आप बोलोगे कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में आप एक्सप्लेन करोगे कि जो हमारे सेट स्टैंडर्ड होते हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, इनके बीच में हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इस तरह से आपका पूरा आंसर कंप्लीट होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ क्या आपका जो कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन है ये क्लियर हो, खत्म हो गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो अगर मैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करता हूँ, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। ये पॉइंट क्लियर? ठीक है, टॉप लेवल को हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। टॉप लेवल को हम और क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इट इज अ सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन? टॉप लेवल। टॉप लेवल क्या होती है, सबसे बड़ी अथॉरिटी इसके पास ही होती है ना, इट इज अ सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टॉप लेवल में कौन कौन सी पोस्ट आती है। इट इंक्लूड सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स लाइक सीईओ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि टॉप लेवल में कौन कौन सी पोस्ट आती है, तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एक तो इसमें क्या आता है, सीईओ, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, चेयरमैन एटसेट्रा, ये सारी पोस्ट आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि टॉप लेवल जो है उसके फंक्शंस क्या है। समझ में आ गया, फिर एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि टॉप लेवल के फंक्शन क्या है। तो टॉप लेवल के अगर मैं फंक्शंस की बात करता हूं,
अगर मैं टॉप लेवल के फंक्शंस की बात करता हूँ तो दे सेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भाई एज ए होल। मास्टर प्लान तो यही बनाते हैं ना, ऑब्जेक्टिव यही सेट करते हैं एंड ड्राफ्ट पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भैया जितने भी पॉलिसीज के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो यही सेट करते हैं, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी होती है वो भी यही बनाते हैं। ये क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? मोटा मोटा कैसे याद रखोगे कि भैया जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और पॉलिसीज होते हैं दे आर ड्राफ्टेड बाय टॉप लेवल। ये क्लियर होगी कहानी? ठीक है, देन सेकंड फंक्शन क्या होता है? दे सेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड फॉर्मुलेट एन एक्शन प्लान। इसको आपने क्या नाम दिया था? मास्टर प्लान। ये क्लियर? ठीक है, पहले आपने गोल सेट किया और कैसे उसको अचीव करना है उसके लिए प्लान बनाया, उसी प्लान को क्या कहा जाता है? मास्टर प्लान। थर्ड फंक्शन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का जो वेलफेयर होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई जब सारी चीजें आप ही के हिसाब से चल रही है, जैसे जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल वो तो आप ही को फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वही चीज पढ़ रहे हो, मैंने जो पढ़ा है वो आपने अच्छे से पढ़ा फिर भी रिजल्ट नहीं आया तो फिर तो मैं ही गलत हूँ, मैंने कुछ गलत पढ़ाया फिर? समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका? फोर्थ पॉइंट, दे अपॉइंट एग्जीक्यूटिव ऑफ मिडिल लेवल। भैया सबसे पहले ऊपर तो आप ही की पोस्ट है, अब आपने अंडर किसको रखना है तो आप ही देखते हो। तो जो अपॉइंटमेंट होती है एग्जीक्यूटिव की मिडिल लेवल पर, लाइक डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की, वो टॉप लेवल ही तो करता है। ये कहानी क्लियर? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दे कोऑर्डिनेट। एक आता ना कोऑर्डिनेशन का एक फंक्शन ये आपने पढ़ा था नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन में, कि भैया दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते कि जो भी आपके अंडर आप उनके बीच में क्या बना के रखो? कोऑर्डिनेशन। तो दे कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। ये क्लियर हो गया? और उसके बाद आपको, आप मिडिल लेवल पर हो मैं टॉप लेवल पर, मैंने आपको कोई काम दिया, कोई टारगेट दिया, उसको रिव्यू भी तो करूंगा, पूछूंगा नहीं आपको? कोई होमवर्क दिया जाता है, कोई भी आपको मॉक पेपर दिया जाता है, कुछ भी आपको दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, कोई भी आपको चीजें दी जा रही है तो आपको पूछा तो जाएगा ना कि भाई बताओ, असाइनमेंट दी जा रही है तो मैं कहूंगा, चेक नहीं करूंगा कि बताओ क्या किया आपने, अगर नहीं करूंगा तो आप तो वैसे बेफिक्र हो जाओगे, सर तो पूछते ही नहीं है। तो दे रिव्यू वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ये क्लियर हो गया? फंक्शन ऑफ टॉप लेवल, पहला फंक्शन क्या? जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं और पॉलिसीज होते हैं ये उनको सेट करते हैं। दूसरा फंक्शन क्या? जो ऑर्गेनाइजेशन गोल होते हैं और उनको लेके जो प्लानिंग होती है वो भी यही करते हैं। वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो भी इनकी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फोर्थ फंक्शन क्या? आपने देखा कि जो मिडिल लेवल के एग्जीक्यूटिव होते हैं यही उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, देन जो डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी यही करते हैं, और उसके बाद उनके टास्क को क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं। टॉप लेवल क्लियर हो गया? कौन कौन सी पोस्ट आती है? प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, सीईओ आता है आपका। बिल्कुल क्लियर हो गया था सारी चीजें? ठीक है, इसके बाद आता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट को और क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को और क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटरी लेवल मैनेजमेंट। पहले तो ये चीज क्लियर? ठीक है, ये क्या करता है? देखो भैया ये टॉप लेवल है, उसके बाद आता है मिडिल लेवल, और उसके बाद क्या आता है? लोअर। तो आप देख सकते हो दोनों के बीच में कौन है? मिडिल लेवल। यहाँ से यहाँ से आया मास्टर प्लान, उस मास्टर प्लान पे काम करेगा मिडिल लेवल, किसके थ्रू करेगा? लोअर लेवल के थ्रू। तो जो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है वो आगे पास करने का काम यही तो कर रहा है। ये कहानी क्लियर? ठीक है, तो देखो इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है? इसमें आते हैं ऑपरेशनल मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ब्रांच मैनेजर एटसेट्रा। ये क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद अगर मैं फंक्शन की बात करता हूँ, अगर मैं फंक्शन की बात करता हूँ तो फंक्शन क्या होता है? द इंटरप्रेट पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल। सबसे पहला फंक्शन यही था ना टॉप लेवल का, सेट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड फ्रेम पॉलिसीज, पॉलिसीज उन्होंने बनाई, उन पॉलिसीज को इंटरप्रेट कौन करता है? मिडिल लेवल। इंटरप्रेट का मतलब उन जो भी चीजें ऊपर से आ रही है उसको आगे पास करना, किसको? लोअर लेवल। समझ में आ रहा है? ठीक है, दे कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये वही वाला, दोबारा वही पॉइंट आ गया कि हर लेवल के मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कोऑर्डिनेशन।
तो देखो टॉप लेवल ने भी कोऑर्डिनेट किया और इनके नीचे फिर जो है उनके बीच में कोऑर्डिनेट, क्योंकि आप किसी से काम तभी ले सकते हो जब उन सभी के बीच में क्या हो कोऑर्डिनेशन, वो आप ही को मैनेज करना। ये क्लियर हो गया? ठीक है। दे एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल। ये जैसे मैं अगर डिपार्टमेंट, मैं परचेस डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ, मैं परचेस मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर, तो मेरा जो डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसमें जितने स्टाफ की जरूरत है मुझे ही तो उसका ध्यान रखना होगा। मुझे तो देखना पड़ेगा कितने लोगों की जरूरत है। अगर मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ तो मेरा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसमें कितने लोगों की जरूरत है, अगर लोग कम है तो मुझे और ज्यादा रखने पड़ेंगे ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, जो इम्प्लॉयज आपने रखे उनको ड्यूटी भी आप ही असाइन करोगे फिर, या आपने तो उनका अपॉइंट किया है। दे असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पर्सनल, इनको ये ड्यूटीज असाइन करते हैं। ये पॉइंट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है मिडिल लेवल का? दे एनकरेज पर्सनल फॉर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। एनकरेज, ये कौन सा फंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है? काइंड ऑफ डायरेक्टिंग, मोटिवेट करना, एनकरेज करना, यस यू कैन डू दिस, या इस तरह से एनकरेज करना कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे तो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी साइड बाय साइड फिल होंगे, उसकी आप टेंशन मत लो। आप अपनी तरफ मत ध्यान, आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ध्यान। इफ यू टेक केयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ टेक केयर ऑफ यू। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। दे रिव्यू द वर्क ऑफ जूनियर मैनेजर। टॉप लेवल इनके वर्क को रिव्यू कर रहा था, ये अपने नीचे वालों के वर्क को रिव्यू करते हैं। ठीक है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरिंग लोअर लेवल मैनेजर फॉर बेटर परफॉर्मेंस। बोलो भाई, क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लोअर लेवल मैनेजर। इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं, इसमें आपको एक वर्ड याद रखना, SOLF, सोल्व। सोल्व क्यों कह रहा हूं मैं? एस का मतलब सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहा जाता है लोअर लेवल को, ओ का मतलब ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहा जाता है, एल का मतलब हो गया लोअर लेवल मैनेजमेंट, और एफ का मतलब हो गया फर्स्ट लाइन मैनेजर। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसकी पोस्ट की बात करता हूं, इसमें जो पोस्ट आती है उसका कोड वर्ड क्या है? ISFS, ऐसे याद रख सकते। ठीक है। क्या? इंस्पेक्टर, सेक्शन ऑफिसर, फोरमैन एंड सुपरवाइजर। वो समझ में आ गई? ठीक है। नेम को किस कोड से याद रखोगे? सॉल। पोस्ट को कैसे याद रखोगे? ISFS। आई फॉर इंस्पेक्टर, एस फॉर सेक्शन ऑफिसर, एफ फॉर फोरमैन और एस फॉर सुपरवाइजर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं, पहला फंक्शन क्या है? टू प्लान डे टू डे वर्क। भैया जितनी भी चीजें आप प्रोडक्शन वगैरह एट द एंड ऑफ द डे, वो तो सब इन्होंने ही करना है। ऊपर तक, ऊपर से मिडिल लेवल तो सारी प्लानिंग ही चल रही है, प्लान ही बन रहे हैं, स्ट्रेटेजी बन रही है, फाइनली उसको इम्प्लीमेंटेशन जो जो एक्शन में लेके आना है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करने, वो तो इन्होंने ही करनी है। फैक्ट्री में जो सारा काम करेंगे वो यही करेंगे ना। टू असाइन जॉब्स एंड टास्क टू द वर्कर। ये क्लियर हो गया फंक्शन? ठीक है। और ये क्या करते हैं, मतलब जो भी लोअर लेवल मैनेजर होते हैं वो जॉब असाइन करते हैं और टास्क करते हैं किसको? जॉब और मतलब टास्क देना, पहले तो जॉब आपका ये काम रहेगा और इस काम में आपको करना क्या, ये आपकी जॉब है और आपको इस जॉब में क्या करना है। ठीक है। टू गाइड, नेक्स्ट मेंशन क्या होता है इनका? टू गाइड एंड इंस्ट्रक्ट वर्कर फॉर डे टू डे एक्टिविटी, फॉर डे टू डे एक्टिविटी, डेली बेसिस पे भाई जो भी काम करो उसको देखना कैसे करना है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो। ठीक है। देन टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग वर्कर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या प्रॉपर आउटपुट आएगी? कभी नहीं आएगी। और क्या होता है इनका फंक्शन? टू मेंटेन टीम स्पिरिट, टू वेलकम सजेशन फॉर बेटर वर्किंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्शन टेक्निक। भाई अगर वर्कर के पास कोई सजेशन है तो आप ये नहीं, आपकी सोच होनी चाहिए कि वर्कर होके मुझे क्या सजेस्ट कर रहे हो। समटाइम्स अगर आप कहते हो कि सर ऐसे नहीं ऐसे, क्या ये चीज को मैं ऐसे कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि हाँ आपका मेथड जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, तो मुझे आपको अप्रिशिएट करना चाहिए रादर देन मैं एक ईगो दिखा रहा हूँ। आप मुझे बताओ, तो कभी दोबारा आप आगे इनिशिएटिव लोगे? नहीं लोगे। एक टीचर भी तभी ग्रो करता है जब वो अपनी लाइफ टाइम वो अपने आपको स्टूडेंट की तरह ही देखे। अगर कहीं से कोई आइडिया आ रहा है, सजेशन आ रहा है, तो आई शुड वेलकम। समझ में आ रहा है? ठीक है। टू सॉल्व ग्रीवियंसीज ऑफ वर्कर,
भैया वर्कर के साथ कोई भी इशू आएगा तो सुनो उसको, उसको कैसे रिजोल्व करना उस पर ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या होता है इनका, टू प्रिपेयर पीरियोडिकल रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम, आप जैसे आपकी रिपोर्ट कार्ड्स होती है वैसे इनकी भी पीरियोडिकल रिपोर्ट्स बनाई जाती है, इसमें वर्कर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वर्कर, सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ सबॉर्डिनेट, ये भी इसका फंक्शन होता है। तो 5-6 फंक्शन ना मोटे मोटे तौर पर आपको पता होने चाहिए। टू प्रोवाइड नेसेसरी मटेरियल मशीन टूल्स एटसेट्रा, ये भी इसका क्या होता है, फंक्शन होता है। यहां पर सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। तो भैया आज हमने कितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए, दो, ठीक है। एक हो गया लेवल ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोसीड करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट्स एंड प्रोफेशन, और फिर ये चैप्टर भी हमारा रिवीजन सीरीज में कंप्लीट हो जाएगा। एनी क्वेश्चन, क्लियर है सबको, ठीक है।